नमस्कार, आइए इस हाथ पर प्रकाश डाल लेते हैं। उससे पहले आपको देते हैं एक सूचना कि जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं, हस्तरेखा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हमने हाथ हस्तरेखा सिखाने के लिए एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। चैनल का लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। आप उस पर डिस्क्रिप्शन पर जाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। चलिए इस हाथ के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इनकी कनिष्ठा उंगली, जो कि बुद्ध पर्वत से यानी बुद्धि के क्षेत्र से निकलती है, और ये है इनकी कनिष्ठा उंगली, जो कि सूर्य के प्रथम पर्व तक नहीं गई है। जब कभी ऐसी स्थिति हो कि सूर्य के प्रथम पर्व से नीचे रह जाए आपका बुद्ध की उंगली, तो इसको व्यक्ति के जीवन में डिसीजंस को लेकर हानि का एक संकेत होता है। जीवन में कहीं ना कहीं व्यवस्था चलती रहती है, लेकिन व्यक्ति अपने गलत डिसीजंस के कारण नुकसान उठाता है। कहीं ना कहीं ये स्थिति के लिए ये भी कहा जाता है कि बुद्धि पर बल पड़ जाना। व्यक्ति ये सोचता ही नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस डिसीजंस को ले जाता है, खुद जानते हुए भी कि इससे उसको नुकसान ही होगा। सूर्य की उंगली पूर्ण तरीके से सीधी खड़ी हुई है, थोड़ा सा अलगाव इसका शनि उंगली से भी है, जो कि मान सम्मान के लिए ठीक है, व्यक्ति लोगों की चर्चाओं के लिए ठीक है, आप लोगों के बीच में जाने जाएंगे, लेकिन ये स्थिति थोड़ा सा घर परिवार के लोगों से अलगाव दिखा रही है। शनि की उंगली पूर्णतः सीधी खड़ी हुई, बिना किसी कट के, बिना किसी अशुभ निशान के, यानी कर्म क्षेत्र के लिए ये स्थिति बेहतर है। व्यक्ति अपना कर्म करेगा और कर्म करके बहुत बेहतर स्थिति को पाएगा भी। बृहस्पति की उंगली, जिसका झुकाव हल्का सा शनि पर्वत पे और लगभग सूर्य की उंगली से ऊपर निकल चुकी है, यानी ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए अच्छा खासा धन कमाएगा, अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करेगा और लोगों के बीच में उठ बैठ भी बना पाएगा। बात करते हैं आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत की जो उंगली है वो इतनी बेहतर नहीं दिखाई दी, लेकिन यहाँ पर खड़ी हुई इस प्रकार की ये रेखाएँ बहुत अच्छा संकेत देती हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत बुद्धिमान है और ख़ास तौर पे व्यापार के तौर पे ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे तरीके से व्यापार चलाना, व्यापारिक बुद्धि का इस्तेमाल करना उनको आता है, इस प्रकार की रेखाओं ने ये दर्शाया है। बात कर लेते हैं सूर्य क्षेत्र की। सूर्य क्षेत्र से इस प्रकार की निकली हुई ये रेखा, और यहाँ पर इस प्रकार का ये जो रेखा निकली है, इन्होंने किसी प्रकार का कोई ट्रायंगल तो बनाया नहीं, लेकिन हाँ इस प्रकार की रेखाएं कोई खराब रेखाएं भी नहीं होती हैं। एक ध्वज के रूप में मैं इसको हल्का बहुत देख सकता हूँ, जो कि सामाजिक प्रतिष्ठा में काम आता है। कभी कभी ऐसे लोग यदि सरकारी कार्य क्षेत्र में जाएँ तो उनको फ़ायदा मिल सकता है, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, या सरकार से जुड़े हुए लोग से लाभ उठाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। शनि क्षेत्र से निकली हुई ये रेखा जो सीधी चली के साथ में निकल रही है छोटी छोटी सी और भी अन्य रेखाएं, एक तरीके से त्रिशूल सा बनाकर निकल रही हैं, जो कि ये दिखाती हैं जीवन के 55वें वर्ष के बाद व्यक्ति के पास संपन्नता अधिक होगी, व्यक्ति के जीवन में धन को लेकर स्थितियां बढ़ेंगी, यानी अगर बुढ़ापे की बात करी जाए तो ये कहीं ना कहीं एक सिक्योर स्थिति दिख रही है पैसे के लिहाज से। बृहस्पति क्षेत्र की तरफ उठती हुई ये रेखाएं जो कि बताती हैं साथ में कहीं ना कहीं आपका ये पर्वत भी बहुत सम है, जो कि व्यक्ति को जीवन में अच्छे भवन मकान सुख साधन देगा, और भवन मकान सुख साधन के साथ साथ व्यक्ति उनका अच्छा खासा भोग भी करेगा, क्योंकि बृहस्पति पर्वत उत्तम है। बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा अपने प्रिय लोगों की रेखा, उसके साथ साथ हृदयांगिनी की रेखाएं। हृदय रेखा शुरू से ही बलवती है, बहुत मोटी होती हुई चलती दिखाई दी है और यहाँ तक पहुँच गई है। ऐसी स्थिति में जब हृदय रेखा हो लेकिन वो मोटी और बलवती होती दिखाई दे, तो अधिकतर ये देखा गया है ऐसे लोगों का अपनी पत्नी से वैचारिक मतभेद रहता है। कभी कभी ये स्थिति विवाह में देरी भी दिखाती है, उसके साथ साथ आजीवन पत्नी से किसी न किसी प्रकार का परेशानी चलती ही रहती है, यानी वैवाहिक सुख से संबंधित बात करें तो उसके लिए जीवन में यहाँ कमी दिखाई दे रही है। तो आप इसी प्रकार की हृदय रेखा पैदा हुए हैं। जब हृदय रेखा थोड़ी सी ज़्यादा बलिष्ठ भी होती है, क्योंकि इसमें थोड़े से काट साट भी हैं,
तो व्यक्ति को कोई हृदय संबंधित रोग की संभावना भी होती है। बात करें आपकी मस्तिष्क रेखा, ये देखिए मस्तिष्क रेखा यहाँ से चली और बाद में थोड़ा सा ढलवा होती हुई चंद्र पर्वत तक पहुँच गई है। ये थोड़ा सा क्षेत्र मंगल क्षेत्र का कवर किया है तो थोड़ा सा चंद्रमा का कवर किया है, यानी ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के तौर पर साहस दिखाते हुए जीवन की कठिनाइयों से जूझता हुआ अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पा जाता है। ये रेखाएं अपने आप में काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन इन रेखाओं को भी अन्य रेखाओं ने काफ़ी डिवाइड किया है। जब इस रेखाओं को इस प्रकार से रेखाएं राहु रेखाएं और मंगल रेखाएं डिवाइड करती हैं तो जिस प्रकार की स्थिति व्यक्ति के देखने में लगती है वैसी होती नहीं है। मन के अंदर अनेक प्रकार के उथल पुथल चलते रहते हैं इनके जीवन में। साथ ही साथ जहाँ पर इनकी मस्तिष्क रेखा गई है वहीं पर इनको दो रेखाएं, एक रेखा नीचे मणिबंध से निकलकर पहुंची है, दूसरी रेखा को देखें हम तो वो चंद्र क्षेत्र से निकलकर शुक्र क्षेत्र में घुस गई है। यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में विदेश यात्राएं भी करता है, संभवतः विदेश में कुछ समय के लिए सेटल भी हो सकता है, विदेश में उसकी प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन ये स्थिति चरित्र के लिए बेहतर नहीं है। चंद्र क्षेत्र यानी चंद्रमा मन और शुक्र यानी सुंदरता, ऐसा व्यक्ति इन चीज़ों का भोग करता है, इन चीज़ों के प्रति आकर्षित रहता है। यानी व्यक्ति जीवन में चाहता है मैं सभी प्रकार के सांसारिक भोगों का भोग करूं, क्योंकि व्यक्ति के मन में इस प्रकार की लालसाएं आती हैं। चंद्र क्षेत्र से उठने वाली रेखाएं व्यक्ति को इन तरफ आकर्षित भी करती हैं। यहाँ पर देखिए चंद्र क्षेत्र से फिर भी एक रेखा निकली है और वो नीचे की तरफ यहाँ गई है, तो बार बार इंडिकेशन आ रहा है चंद्रमा पर जब इतने सारे रेखाओं का प्रभाव हो तो यात्राओं के साथ साथ मन के अंदर किसी न किसी प्रकार की उथल पुथल यहाँ लगातार दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए आप केतु क्षेत्र से निकलने वाली ये रेखाएं, जिन्होंने यहाँ एक दीप बनाया है उसके साथ साथ ये व्यक्ति के अंतिम जीवन यानी 55-56वें वर्ष के बाद एक वैराग्य की स्थिति दिखाई देती है, जहाँ व्यक्ति का घर परिवार के लोगों से थोड़ा सा वैमनस्य रहता है, कटाक्ष रहता है। वहीं इनकी भाग्य रेखा देखिए, आयु रेखा और भाग्य रेखा दोनों एक साथ जुड़कर यहाँ हैं, वहीं एक सपोर्टिव भाग्य रेखा ने यहाँ तक इनको कवर किया और ये दोनों भाग्य रेखा एक साथ चली गई। साथ में निकलने वाली एक और भाग्य रेखा साथ में, जो कि ये दिखाती हैं कि 35वें वर्ष तक व्यक्ति के जीवन में किसी काम को लेकर सहयोग लगातार है। कभी कभी ऐसे लोग जीवन में दो प्रकार के काम करते हैं, दो तरीके से इनकम सोर्स इनको बनती हैं, लेकिन उसके बाद ये रेखा सीधी चली गई है और लास्ट तक जाते जाते मैंने जैसा बताया था शनि पर्वत की तरफ गई है। कुछ रेखाएं काट इनको जीवन में अवश्य रही हैं जो समय समय पर परेशानी तो देंगी, लेकिन भाग्य रेखा का इस प्रकार से जुड़कर और सीधा चले जाना, यानी भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत में पूरी घुस जाती है तो ये पैसे के प्रति काम के प्रति चिंता नहीं दर्शाती। व्यक्ति को जीवन में किसी न किसी प्रकार से काम लगातार होते ही रहते हैं। ये देखिए मंगल क्षेत्र से निकलने वाली एक रेखा ने फिर से शनि पर्वत की तरफ इशारा किया। एक रेखा मंगल क्षेत्र से निकली वो आपके सूर्य तरफ चली, यानी मंगल साहस, शनि कर्म और सूर्य हो गया सरकार या सामाजिकता या मान सम्मान। यानी व्यक्ति जो झारू किस्म का व्यक्ति है अपने कर्म के प्रति समर्पित है और इतना कर्म करता है जिससे उसे समाज में अच्छी उठ बैठ मिलती है, लोग बाग उसको जानते हैं और व्यक्ति अपना कर्म करते हुए प्रसिद्धि भी प्राप्त कर लेता है। शुक्र क्षेत्र पूर्णतः स्पष्ट है, किसी प्रकार की कोई खराब रेखा इसमें नहीं है। इसका मतलब है शुक्र क्षेत्र अच्छा तो जीवन में सुख सुविधाएं भी बनी रहेंगी। उसके साथ साथ इन रेखाओं के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। अब आप अंगूठे के बारे में थोड़ा सा देखिए। अंगूठे का पहला पर्व इच्छा शक्ति शक्ति के लिए दर्शाया जाता है। इस पर किसी प्रकार की कोई ज़्यादा रेखाएं नहीं है, यानी व्यक्ति के मन में कोई ज़्यादा इच्छाओं का समावेश नहीं है, लेकिन तर्क ये रेखा जो तर्क रेखा कहलाती है इस पर जा रही है ये। यानी ऐसा व्यक्ति तर्क संगत है, तर्क करने में पूर्ण है, यानी किसी भी सब्जेक्ट को लेकर वाद विवाद कर सकता है, जो कि इनके बुध पर्वत ने भी दर्शाया है कि व्यक्ति बहुत लॉजिकली वर्क करने वाला है, बुद्धिमान है, सूझबूझ के निर्णय लेता है, लेकिन थोड़ी सी जो उंगलियां की जो हाइट मैंने शुरुआत में छोटी बताई थी ये आपको डिसीजंस में परेशानी दे सकती है। यानी व्यक्ति जीवन में एक दो डिसीजन ऐसे ले जाएगा जो कि उसको झटका दे देंगे। इसके लिए भी मैंने आपको सावधान किया है, थोड़ा सा
अपने ऊपर संयम रखिएगा। ये स्थिति अगर चंद्र क्षेत्र से निकल कर शुक्र को जा रही है तो कहीं ना कहीं ये आयु रेखा और भाग्य रेखा को भी काट रही है। जब ऐसी स्थिति हो और आप चल रहे हैं जीवन के 66वें वर्ष में, तो आप ध्यान रखिएगा 64 से लेके 70 वर्ष का जो पीरियड है, आपके जीवन में कोई नुकसान भी दिखाई दे सकता है, आपके पैसे का कोई लाभ ले जा सकता है, आपको सामाजिक तौर पर किसी प्रकार का अपमान भी देखना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा अपने प्रति संयम और ध्यान रखिएगा। तो ये आपके हाथ का एनालिसिस था। आपने हमको जन्म पत्री भी भेजी है, थोड़ा सा मैं उस जन्म पत्री पर भी यहाँ पर प्रकाश डालना चाहूँगा। देखिए ये आपकी जन्मपत्री मेरे सामने है और मिथुन लगन की ये आपकी एक जन्मपत्रिका है। लगन का मालिक बुध है, नवम भाव में बैठा है यानी भाग्य स्थान में बैठा है, और भाग्य स्थान का मालिक पंचम भाव में उच्च का शनि है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा और सुंदर धन योग बनता है। शनि उच्च के हैं, शनि भाग्य स्थान के मालिक हैं, शनि आपके लाभ भाव और धन भाव से संबंध भी बनाते हैं, जो कि स्थिति शो हो रही है कि आपको जीवन में पैसे की कमी तो कभी आएगी नहीं। शनि पूर्ण धन योग में बनते दिखाई दे रहे हैं। देखिए मैं आपको हस्तरेखा में चंद्रमा पर बार बार प्रकाश डाल रहा था कि आपका चंद्रमा चंद्र क्षेत्र से बहुत रेखाएँ उठ रही हैं जो शुक्र क्षेत्र की तरफ जा रही हैं। वहीं शुक्र यहाँ पर बुद्धि के भाव पर है, शनि बुद्धि के भाव पर है, शनि यहाँ चंद्रमा को देखता भी है। तो जीवन में जो आपने एक सवाल भी मुझसे पूछा है, एक औरत पसंद आई है क्या मेरी, उससे शादी होगी। देखिए शादी का संयोग तो 2020 में आपके पास बहुत बढ़िया है। बहुत हद तक लगता है कि आप भले ही शादी करें ना करें, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट में लगातार रहेंगे, लेकिन थोड़ा अपने फाइनेंस को संभाल कर रखिएगा। आपको लॉस भी मिल सकता है और उसके साथ साथ क्योंकि आप 7.5 भी भोग रहे थे अब तक, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर किसी प्रकार का एलिगेशन भी लग सकता है। शनि में शुक्र की दशा आपको जनवरी 20 से मार्च 2023 तक चलेगी। शुक्र की स्थिति आपके सभी वर्गों में अच्छी है, प्रोफेशनली देखूं तो बहुत बढ़िया, मैरिज के हिसाब से या इसी प्रकार का कोई सुख भोग के हिसाब से बढ़िया, पैसे के लिहाज से बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के स्थितियाँ तो आपके लिए बहुत सुदृढ़ हैं। आपने एक सवाल पूछा था विदेश में प्लॉट है कब तक बिक जाएगा। देखिए अभी शनि में चल रही है शुक्र की दशा, और ये जो शुक्र की दशा है जनवरी 20 से मार्च 23 तक आपको चलेगी। थोड़ा सा आपके प्रॉपर्टी के भाव पर भी देख लेते हैं। शनि में शुक्र की स्थिति यहाँ शो कर रही है कि आपको जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित सुख तो मिलेंगे ही, ऐसा व्यक्ति कई प्रॉपर्टी होगा, लेकिन 2020 और 21 का आधा ये 1.5 वर्ष ऐसा है जो आपकी प्रॉपर्टी को बिकवा देगा, निश्चित तय बिकवाएगा। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपने कहा 2.5 करोड़ रुपए का कर्ज है। देखिए कर्ज की बात आपने की है, लेकिन मैं आपके हॉरोस्कोप को देख के आज भी इतना सहमत हूँ कि ये व्यक्ति जब चाहे अपना कर्जा उतार सकता है, क्योंकि इसके पास जीवन में बैंक बैलेंस भी रहेगा, अच्छा खासा पैसा भी ये कमाएगा, प्रॉपर्टी भी इसके पास होंगी, हो सकता है प्रॉपर्टी को बेचकर ये अपना कर्जा उतार दे, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ चिंता नहीं दिखती, क्योंकि शनि की महादशा 2032 तक चलेगी और उसके बाद बुध है। लेकिन आने वाली सारी दशाएं धन के प्रति केंद्रित करती हैं, धन योग बना रही हैं, पैसा दिला रही हैं, यानी जब पैसा लगातार आता रहेगा तो जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। आपका एक सवाल था, आप कहते हैं किडनी प्रॉब्लम है मुझे, मेरा ऑपरेशन भी हुआ है। देखिए वो स्थितियाँ थी। अगर मैं आपके शनि के बारे में बात करूँ, जिस दशा में वक्री शनि है, साथ ही साथ गुरु मंगल शुक्र भी वक्री, शुक्र वक्री है, गुरु मंगल साथ में और इसके अपोजिट में शनि बैठे हुए हैं, आपको किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर मुझको एक डायबिटिक कॉम्बिनेशन भी दिखता है, शुगर से संबंधित मधुमेह के रोग आपको यहाँ तंग कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कोई मेजर स्थिति थी तो मुझे यहाँ बनती नहीं दिखाई दे रही है। तो आपके जो सवाल आपने पूछे थे वो मैंने आपको बताए। शायद आपने अपनी फिंगर में पन्ना पहना हुआ है, तो पन्ना आप पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। मैं आपको यही सलाह दे पाऊंगा, अपने जो भी डिसीजंस लें वो थोड़ा सोच समझ के लें। आपके प्रोफेशन के चार्ट में शुक्र यहाँ पंचम भाव में है, ये धन योग तो बनाता है, लेकिन ऐसे समय में व्यक्ति स्वयं के कर्मों के कारण अपने प्रोफेशन में अच्छा खासा नुकसान कर लेता है। अधिकतर शास्त्र में कहा गया है कि शनि में शुक्र की दशा जीवन में अगर आए तो अच्छा खासा झटका लगाने वाली होती हैं। तो प्रोफेशनली झटका ना लग जाए, चरित्र पर कोई दाग ना लग जाए, सामाजिक तौर पर आपको कोई ठेस ना पहुंचे, उसके लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, संयम रखिएगा।
जैसा आपकी हृदय रेखा में दिखाई दिया था वैसा ही मुझे आपके नवांश कुंडली जो कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए दिखाई देती है वहाँ भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई दिया है। तो आपका चार्ट भी मैंने देखा है, मैं तो आपको कहूँगा कि आप थोड़ा संयम रखें, पन्ना पहने, हनुमान जी की पूजा लगातार करें, बजरंग बाण का पाठ करें, रुद्राष्टकम का पाठ करें, ये सभी आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि पिछले समय में आपने साढ़े साती भी भोगी है, पूरे 7.5 साल जो आपके 24 जनवरी 2020 को पूर्ण हो जाएंगे, उसके साथ साथ शनि की महादशा भी आपको है, तो आपके जीवन में अप्स एंड डाउन तो पिछले समय में भी काफ़ी आए हैं, आर्थिक और शारीरिक समस्याएं भी आपको देखने के लिए मिली हैं, लेकिन जब शनि धन योग में है तो पैसे की आवक लगातार दिखाता है, थोड़े समय के लिए परेशानी देता है लेकिन स्थिति को सुधार देता है। तो आशा करता हूँ मैं आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ दे दिए होंगे और पूरे हाथ का भी एनालिसिस कर दिया मैंने आपका और आपकी जन्मपत्री के आधार पर भी आपको बता दिया है। नमस्कार।